तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और नए वीडियो के साथ। और देख रहे हो कि मेरा एक हाथ से ही मैं ऐसे मोशन कर रहा हूँ। यूजुअली मैं दो हाथ से करता हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में है कुछ गजब की चीज़। तो भाई आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज भाई बात होने वाली है इन पे। तो भाई जिन्होंने जिनको ये नहीं पता है भाई, ये देख लो, इनको बोलते हैं भाई टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये हैजब्रो का एक कॉन्सेप्ट था। तो मतलब ये टॉल बेबलेट्स बनाए थे हैजब्रो ने, काफ़ी भाई तगड़े होते हैं। और सच बताऊँ तो ऐसे घूम रहे हो ना, इनको पकड़ लो तो हाथ में लग वग भी जाती है। तो क्योंकि देखो भाई काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी शार्प होता है, और भाई नॉर्मल बेबलेट से बहुत बड़ा होता है। तो आज बेबलेट वर्सेस टॉर्नेडो तो नहीं करेंगे। यूजुअली मैं सोच रहा था कि बेबलेट वर्सेस टॉर्नेडो करें, तो आज हम करेंगे टॉर्नेडो वर्सेस टॉर्नेडो। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने पास है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का टॉर्नेडो, और इधर पे है अपने पास एल ड्रैगो का टॉर्नेडो। ठीक है, तो दोनों टॉर्नेडोज की बैटल करेंगे, देखेंगे कौन बेटर परफॉर्म करने वाला। आई डोंट नो दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी आप बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है? क्या आप टॉर्नेडो की बैटल बेबलेट से देखना चाहते हो या टॉर्नेडो वर्सेस टॉर्नेडो ही देखना चाहते हो? तो चलो गाइस, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में बोलने के लिए। बहुत लिमिटेड एडिशन टाइप के बेबलेट हैजब्रो ने बनाए थे, और अब ये मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं टॉर्नेडो का कलेक्शन करूँ, बट लोग भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो मैंने रोक दिया। मैंने 2 ही दिन खरीदे हैं मेजरली, और भाई टॉर्नेडो मैंने नहीं लिए इसके बाद ज़्यादा। एक या दो शायद मेरे पास और होंगे हार्डली। और टॉर्नेडो भाई लाने के लिए यूरोप से मंगाने पड़ते हैं क्योंकि इंडिया में देखो ये आया नहीं थे, और इंडिया में किसी के पास मिलते भी नहीं। आई थिंक रहे होंगे, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं देखे अभी तक किसी के साथ कि जिसने इंडिया में ही खरीदे हों। तो भाई टॉर्नेडो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से भाई मैंने कुछ ही मंगाए थे, और कॉस्ट ज़्यादा था, प्लस लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए नहीं मंगाया। तो चलो देखते हैं इस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा आपको लगता है टॉर्नेडो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी क्या करते हैं, स्टेडियम की तरफ चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करने वाले हैं टॉर्नेडोस। तो भाई लोग, ये वीडियो काफ़ी अलग टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लिमिटेड एडिशन बोल के चलूँ मैं। तो भाई आप लोगों ने हो सकता है देखे हो ना देखे हो, बट ये है भाई हैशब्रो के जो अपने आते हैं टॉर्नेडो। तो ये है अपना ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर वाला टॉर्नेडो, ये है एल ड्रैगो वाला टॉर्नेडो। भाई साइज़ देखो, लुक एट द साइज़ यार, डैम है ना। तो भाई क्रेजी साइज है दोनों का, क्रेजी यार। और आई डोंट नो कैसा बैटल होगा, मैंने पास में कर रखा है, दोनों ही भाई खतरनाक हैं। ये तो लेफ्ट राइट दोनों चलता है, ये लेफ्ट चलता है। तो चलो कुछ बैटल्स ट्राई करेंगे। ये वीडियो थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो टाइप से है, और ऑब्वियसली यार ये ज़्यादा दिन नहीं चले, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन नहीं चला, वैसे भी लिमिटेड एडिशन था तो भाई लिमिटेड ही रहना चाहिए। तो एनीवेज चलो अभी ट्राई करते हैं इनको, और देखते हैं दोनों में से कौन बेहतर है। तो पहले मैं इसको राइट रोटेशन में ट्राई करने वाला हूँ भाई। ये क्या ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर वाला, और अब भाई हेल ड्रैगो की, आई नो भाई क्रेजी बैटल होगा, लेट्स सी। भाई अटैक तगड़ा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्टेडियम स्टेडियम के इधर उधर मेरे मुंह पे ना लगे, क्योंकि ऊंचे बहुत है ना, तो भाई थोड़ा सा डर लग रहा है। और उतना अच्छा टक्कर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिट रोटेशन है, तो एनर्जी का आदान प्रदान हो जा रहा है रेदर देन। और देखते हैं भाई क्या सीन बनेगा। तो भाई थोड़ा सा बोरिंग हो गया बैटल, इसको फिर से ट्राई करना पड़ेगा, कम मजा आया। एल ड्रैगो नीचे ही चलता चला जा रहा है, जबकि स्पीड अच्छी है एल ड्रैगो के पास, तो कायदे से जीत सकता है। और पहला मैच वैसे एल ड्रैगो ले गया, बट आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। एक बार फिर से इसी स्पिन में करते हैं, फिर अपोजिट स्पिन में ट्राई करेंगे। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बेटर है? और भाई भाई एल ड्रैगो ने भाई जो पहला है खतरनाक, और भाई ये लगते हैं मतलब लंबे हैं, बहुत तेज लगते हैं। तो अब दोनों रिवर्स स्पिन में भाई ट्राई करेंगे। तो पहले फिर से मैं एल ड्रैगो को लॉन्च करता हूँ, और अब इस बार ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की बारी है भाई, देखते हैं कितना डिस्ट्रॉय कर पाता है। ओ भाई फिर से डिस्ट्रॉय होने की बजाय, अरे रुक जा भाई रुक जा, डिस्ट्रॉय होने की बजाय डिस्ट्रॉय हो गया भाई। लगते हैं ये बहुत तेज़ लगता है हाथ में पकड़ने में। अब फिर से ट्राई करेंगे, इस बार पहले ग्रेविटी डिस्ट्रॉय को लॉन्च कर देता हूँ मैं। अब बारी है एल ड्रैगो की। भाई एल ड्रैगो का सही बताऊँ टॉर्नेडो बहुत क्रेजी है, मुझे लगा था ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये क्या हो गया, फिर से कर लेते हैं भाई, दोनों का ही लॉन्च बेकार था, तो फिर से कर लेते हैं, नो इश्यूज। ये क्या ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, अब बारी है एल ड्रैगो की। ओ भाई भाई एल ड्रैगो बहुत ओपी निकल रहा है यार, अबे यार इसको रोकूं कैसे मैं भाई, भाई इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट पड़ जा रहा है। एनीवेज अब एक और मैच करेंगे, इसमें ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को राइट और एल ड्रैगो को लेफ्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं
ये क्या भाई ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, अब आ रही है भाई एल ड्रैगो की यहाँ पे, और फिर से ओ भाई पहली बार भाई फाइनली फाइनली कुछ टक्कर दे पाया भाई, फाइनली टक्कर दे पाया एल ड्रैगो को। एक लास्ट मैच करेंगे फिर वीडियो का एंड करेंगे, बाकी आपको देख के समझ में आएगा हो कि भाई एल ड्रैगो काफ़ी ज़्यादा ओपी है कंपेयर टू ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, मतलब अच्छा है, हो सकता है मैं लॉन्च ना कर पा रहा हूँ बट एल ड्रैगो वाला मज़ा नहीं आ रहा यार। और भाई ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर बुरा मान गया लगता है। चलो एक एक मैच और कर देते हैं सेम स्पिन में एक मैच, क्योंकि पता नहीं क्यों आई थिंक मैंने शायद पहले लॉन्च ना किया हो, बट अभी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपना ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। लेट्स सी ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है, लॉन्च खराब हो गया मुझे लग रहा है मेरा, बट फिर भी एनर्जी लेके भाई ये सीधा खड़ा हो गया, क्या बात है। यहाँ पे भी स्पिन स्टील। तो भाई क्या लगता है आप लोगों को टॉर्नेडो के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में, दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा वो भी बताओ। यार मैं टॉर्नेडो बीच में लेने का ना काफ़ी सोचा था, बट चूंकि ये भाई यूरोप से लाने पड़ते हैं काफ़ी महंगे पड़ते हैं तो इसलिए मैंने लाना बंद कर दिया, वरना मैं टॉर्नेडो मुझे था कि यार टॉर्नेडो ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बस लोगों का इंटरेस्ट नहीं था उतना ज़्यादा, प्लस कॉस्टली भी पड़ रहे थे। भाई एल ड्रैगो जीत गया, एक लास्ट मैच करेंगे फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, और भाई मैं नहीं बोलूँगा इसमें से कौन अच्छा है क्योंकि दोनों ही भाई सरप्राइजिंग है काफ़ी ज़्यादा, और भरोसा नहीं कौन कब बाजी मार दे, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग बताना भाई कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इन टॉर्नेडोज के बारे में कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरी तरफ से ले गाइस इतना ही अभी, और इस बैटल के बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, तो देखते हैं लास्ट बैटल कौन जीतने वाला है इन दोनों में से, कौन सा है टॉर्नेडो बेटर। तो काफ़ी अच्छा, दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला शायद एल ड्रैगो ही ले जाएगा क्योंकि स्पिन स्टील वाला सीन बन जा रहा थोड़ा थोड़ा। लेट्स सी बाकी, और अगर भाई किसी टॉर्नेडो की अगर आप बेबलेट के अगेंस्ट बैटल देखना चाहते हो तो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली, और जैसा कि मैंने कहा था भाई एल ड्रैगो भाई डोमिनेट कर जा रहा है। तो भाई मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो के साथ फिर किसी बैटल के साथ। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, और सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन प्ले सेफ बी सेफ एंड हैप्पी ब्लेडिंग।